हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने ब्लॉग की टेम्पलेट और थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर जो ब्लॉगर में अवेलेबल थीम्स हैं उनको, और अगर आपको कोई बाहर से थीम पसंद आ गई है उसको भी कैसे अगर आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने ब्लॉगर पे आ जाइए और उसके बाद आपको थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करके ये सारी थीम्स वो हैं जो आपके ब्लॉग पे ही अवेलेबल है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। जैसे कि हम ये वाली चूज़ कर लें, इसको ऐसी दिखने वाली है। मेरी साइड में अप्लाई टू ब्लॉग करूँगा, स्किप बैकअप कर दूँगा क्योंकि मैं पहले ही ले चुका हूँ अपनी थीम का बैकअप। थीम अप्लाइड, अब मैं देखता हूँ मेरी थीम कैसी है। अच्छी दिख रही है। तो अब देखो आपको थीम अच्छी होने से साइड पे देखो कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी अगर थीम इतनी अच्छी है। वैसे अभी इसमें कस्टमाइज होने में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब हम बाद में बात करेंगे, बट हाँ देखो फर्क पड़ता है। अब ये वाली देखते हैं, क्लिक करना है अप्लाई पे, थीम लग गई होगी। ये देखिए ऐसी ही आपको इतनी सारी जो थीम्स हैं किसी पे भी आप क्लिक करोगे आपकी वो थीम लग जाएगी। आप चेक कर सकते हैं पूरा दिन बैठ के अगर आप चेक करना चाहते हैं। और अब आपको अगर कस्टमाइज़ करना है इसी थीम को तो आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो ये कलर या ये कलर या ये कलर या ये कुछ भी करके आप अप्लाई टू ब्लॉक करेंगे वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए कलर चेंज हो गया। और अगर आपको एडवांस में जाएंगे तब यहाँ पर अगर आप फॉन्ट साइज पॉइंट अगर चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहेंगे तो ये देखिए साथ के साथ यहाँ पर रिव्यू भी दिखा रहा है आपको। फॉन्ट भी इतने सारे अवेलेबल हैं, आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप सिलेक्ट करके और उसे लगा सकते हैं। और ये तो लेआउट में ही सेट करने का ऑप्शन रहता है, जैसे कि गैजेट्स आप अगर पेजेस लगाना चाहते हैं, कोई फीचर्ड पोस्ट है, आप अगर एड्स लगाना चाहते हैं, कोई स्क्रिप्ट है आपके पास, तो वो सब भी आप यहाँ पर बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो ये अपनी खुद की थीम भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और, वो सारे ऑप्शंस यहाँ आपको दे रखे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गई ब्लॉगर के अंदर की थीम। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो थीम है वो आपकी कहीं बाहर से हो या आपके नेट से कहीं आपको पसंद हो गया आपने वो डाउनलोड करिए, तो मैंने एक थीम ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखी है। और आप लोगों को अगर जानना है कि कैसे मैं थीम आप अच्छी से अच्छी थीम डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से आपको मिलेगी, तो वो भी मैं बता दूंगा। नीचे मुझे कमेंट करके पूछिए आप, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों को वो थीम और भी इनसे अच्छी और कस्टमाइज एसईओ फ्रेंडली थीम्स, यूज़र फ्रेंडली थीम्स और एसईओ ऑप्टिमाइज थीम आप कहाँ से मिल सकते हैं। खैर अब मैं बता दूँ कि आप कोई डाउनलोड की हुई थीम को कैसे अपलोड करेंगे। यहाँ पर बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्लिक करना है। आपको वो फाइल चूज़ करनी है, मैंने एक फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं जो है वहाँ जाके उस थीम को अपलोड कर दूँगा और अपलोड पे क्लिक करूँगा। अभी ये कुछ ही सेकेंड्स में चेंज हो जाएगी, हो गई और मेरी थीम चेंज हो चुकी है। अभी ये थी, अब ये हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा लेआउट है मेरा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आपको ब्लॉगर की थीम कैसे अपलोड करोगे, और अगर आपको कोई बाहर से इंटरनेट से गूगल से कहीं से भी आपको कोई और थीम अपलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे अपलोड करोगे। और आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और को भी हेल्प मिले तो वीडियो को शेयर कीजिए और एक लाइक करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी है
और अगर कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में ब्लॉगर से रिलेटेड कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।